Good morning everyone. In the last class we have read about the rural administration, गांव के प्रशासन की बात की थी और उसमें हमने दो एग्जाम्पल पढ़े थे. First, regarding the law and order, and that was kept by the police. हमने उसमें देखा था किस प्रकार पुलिस कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करती है. और दूसरा हमने देखा था ज्यादातर जो क्लैशेस होते हैं, कंफ्लिक्ट्स होती हैं गांव में, किसकी होती हैं? जमीन से संबंधित होती है. तो अब अगर ऐसा कोई विवाद हो जमीन से संबंधित, तो उसमें हाउ वी आर गोइंग टू रिजोल्व इट, किस प्रकार से सॉल्यूशन होगा? तो हमने उसमें एक प्रशासनिक जो अधिकारी की बात की थी, तो हमने सबसे पहले देखा था, सबसे लोअर लेवल पर देखा सारा मैनेज करता वो था पटवारी. कि उस गांव का रिकॉर्ड, प्रत्येक गांव के रिकॉर्ड के लिए एक व्यक्ति को रखा था, असेसमेंट करता है किसकी कितनी जमीन है, कहाँ है और उसमें क्या कुछ प्रोडक्शन किया गया, उसका सारा रिकॉर्ड होता. उसके बाद अगर कहीं ना कहीं सुपरविजन की बात आए उस रिकॉर्ड की, तो हमने देखा था उसके बाद एक तहसीलदार होता जो सारे रिकॉर्ड, लैंड रिकॉर्ड से रिलेटेड सारा का सुपरविजन भी करता है कि पटवारी ढंग से काम कर रहा है कि नहीं. अब हमारा नेक्स्ट आता अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन. कि अब शहरी प्रशासन की अगर बात करें तो शहरों का प्रशासन कैसे चलता है, तो उसमें एक छोटे से एग्जांपल से दे रखा है. एक छोटे से एग्जांपल में समझाया था, हम भी बचपन में, आप लोग अब भी करते होंगे, हम भी बचपन में करते थे गली में क्रिकेट खेलना. अब गली में क्रिकेट खेलते खेलते एक बच्चे ने बहुत तेज शॉट लगाया और पता चला स्ट्रीट लाइट टूट गई. अब जैसे स्ट्रीट लाइट टूट गई तो सब अपने अपने घर, कि पता नहीं कौन पकड़ा जाएगा. तो वैसे एक एग्जांपल से दे रखा, जब वो स्ट्रीट लाइट टूटी तो घर में जाने के बाद डिस्कशन हुआ कि अब स्ट्रीट लाइट का अगर पता चला तो कौन पे करेगा, किसको पे करना है, कौन आएगा. अब उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे सब सोचने के बाद उनके वार्ड से, वार्ड काउंसिलर जिसको आप बोलते हो पार्षद, उससे मुलाकात की, कैसे ऐसे इस प्रकार हुआ है, तो इसका किस प्रकार पे करना है, कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कहां जाके हम पे करें, क्या कुछ व्यवस्था होगी. तो उसमें हमारे यहाँ दे रखा है कि हमारे यहाँ शहरी प्रशासन की अगर बात करें तो हमारे यहाँ शहरी प्रशासन लोअर लेवल की बात करें तो हमारा शुरू होता है म्युनिसिपैलिटीज से, नगर पालिकाओं से. और बड़े शहर हैं जिसको हम मिलियनर सिटीज बोलते हैं, उनकी होती है नगर निगम, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन. तो उसकी व्यवस्था किस प्रकार मैनेज होती है, उसके बाद वो वार्ड काउंसिलर को समझाता है कि ये हमारे जनता के फंड से आता है, उसके लिए अलग अलग इंप्लॉइज हैं, आपके वार्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति है जो फैसिलिटीज के लिए, उसके लिए आपका वार्ड काउंसिलर है, he or she is going to raise the voice. वो उसके लिए सारी चीजें बताएगा, किस प्रकार मेंटेनेंस का आएगा, क्या कुछ प्रावधान रहेंगे, सारे आपको जो हमारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है या म्युनिसिपैलिटीज है उनके ऑफिस की सारी चीजें हमें पता कर सके. और इसका अगर हम बात करें प्रशासन चुना कैसे जाएगा, तो हमारे बेसिकली डेमोक्रेसी है. ऊपर लेवल की अगर बात करें जो हमारे लोकसभा के लिए चुनाव होते हैं, विधानसभा के लिए, ऐसे ही हम क्या चुनते हैं, हमारी स्थानीय सरकार, इसको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी बोलते हैं. तो वो हमारे प्रशासन चलाने के लिए जिम्मेवार है शहरों के अंदर, म्युनिसिपैलिटीज और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर पालिकाएं और नगर निगम. इसमें किस प्रकार मेंबर चुने जाते हैं, किस मेंबर की क्या कोई जिम्मेवारी रहती है, नगर पालिका के मुखिया को क्या कहेंगे, नगर निगम के मुखिया को क्या कहेंगे, हाउ दे आर गोइंग टू सेलेक्ट और इलेक्ट, किस प्रकार का चुनाव होता है, वी आर गोइंग टू नो ऑल दिस प्रोसेस इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.